अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 4। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ए क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर चढ़ाया हुआ है, इसमें हमें एक इसका जो साइड है 7 सेंटीमीटर, साइड 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, एक हमें इसमें दिखाना है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमीस्फीयर का क्या है। तो इसका जितना ये क्यूब का साइड है, क्यूब का इसका डायमीटर उतना ही होता है, तो 7 सेंटीमीटर आएगा इसका जो डायमीटर है। तो इसका रेडियस आएगा 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो हमें इसका पूरे ब्लॉक का जो सॉलिड है इसका फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, इसका जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल डायमीटर बाय 2/2, डायमीटर का हाफ होता है 7/2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया, इस पूरे का जो सरफेस एरिया हमें वो निकालना, किसके बराबर है, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ ये जो पूरी सॉलिड का किसके बराबर होगा, एक होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस जो इसके ऊपर ये सफियर रखा गया, जितनी जगह ये घेर लेगा इसके नीचे जो जगह आएगी इसमें ये माइनस होगी, माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर, ऑफ हेमीस्फीयर जो इसने घेरा हुआ इसका ये माइनस होगा, प्लस कर्वड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्वड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 × साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर -π r² प्लस कर्वड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2π r² r इज इक्वल टू 6 × साइड हमारा इसका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर माइनस प्लस 2π r² में से 1π r² निकलेंगे वहाँ रहेगा π r², आर इज इक्वल टू 6 × 7 = 49² सेंटीमीटर प्लस पाई है 22/7 जरबे आर है, आर स्क्वेयर 7/2 सेंटीमीटर होल स्क्वेयर, 6 × 9 = 44, 6 × 4 = 24 + 5 = 29² सेंटीमीटर प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2 cm² सेंटीमीटर, 7 × 7 = 2 × 2 = 2 × 2 = 2 r = 294² सेंटीमीटर प्लस 11 × 7 = 77/2 / 2² सेंटीमीटर इज इक्वल 294² सेंटीमीटर प्लस 2 × 2 = 2 × 3 = 6 × 2 = 8 = 16 × 1 = 2 × 5 = 10
38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 5, 8 × 4 = 12, 3 × 9 = 113, 2 × 2 = 213, सॉरी 5, 8 × 4 = 12, 3 × 9 = 113, 2 × 1 = 3, 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। Therefore, our hence surface area of solid, surface area of solid is equal to 332.5 square centimeter. Allah Hafiz.